उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत के कस्बा बिनौली में की गई देहाती फिल्म गरीब की बेटी की शूटिंग। बिनौली के पूर्व प्रधान वेदपाल धामा ने किया फिल्म में काम कर रही अंजू सैनी को सम्मानित। फिल्म के डायरेक्टर संजीव जांगड़ा का कहना है कि फिल्म जल्दी ही पूरी कर ली जाएगी। कि मेरी बेटी ने ये रेस प्राप्त की है और मैं तो हर गांव की बेटी से कहूंगा कि वो घर से बाहर निकले, इसी तरह वो रेस में हर खेल में हिस्सा लें ताकि उसके माँ बाप का नाम रोशन हो। मैं सभी गांव वालों को हाथ जोड़कर राम राम करता हूं कि आज मेरी बेटी की वजह से मेरा सर गर्व से ऊंचा है। आप सभी गांव वासियों को मेरा नमस्कार। और इस ट्रॉफी के असली हकदार मैं नहीं, मेरे पापा है। अगर इन्होंने मुझे इतना सपोर्ट न किया होता, पढ़ाया लिखाया ना होता, तो आज मुझे ये ट्रॉफी नहीं मिलती। तो इसलिए इसका श्रेय मैं अपने पापा को देती हूँ। तो क्या नाम है आपका? श्री वेदपाल सिंह। वेदपाल जी, जैसे कि आज यहाँ पे गांव बिनौली में फिल्म की शूटिंग की गई है, तो किस आधारित पे फिल्म शूट की जा रही है और आज क्या था, मतलब जो यहाँ पे आप देखो, ये मुन्नी है, गांव की मुन्नी है, हमारे जिले की मुन्नी है, हमारे गांव की मुन्नी है। हम ये चाह सभी मुन्नियाँ ऐसे ही होनहार काम करें और हमारे गाँव का नाम ऊंचा हो। मेरा नाम जे के दैया है जी। जे के दैया, इस फिल्म में आपका क्या किरदार है? मेरा टीचर का रोल है। टीचर का रोल। हाँ सर, अंजू सिंह सैनी। अंजू सैनी, तो आपका इसमें क्या किरदार है मूवी के अंदर? सर मेरे को बेटी का रोल दिया हुआ है। तो इस फिल्म में जब ये शूट हो रही है तो किस चीज के ऊपर आधारित है ये फिल्म? ये आजकल की, मतलब जो जिसकी ये सोच है कि लड़की कुछ नहीं कर सकती है और लड़की को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए, उनके ऊपर आधारित है कि लड़की बहुत कुछ कर सकती है। ऐसा कोई काम नहीं है जो लड़की ना कर सकती हो। तो इस पिक्चर में काम करके आपको कैसा लग रहा है? इस मूवी में काम करके मेरे को बहुत अच्छा लगा और इतने प्रोजेक्ट में मुझे ये मूवी सबसे अच्छी लगी और मेरे को बहुत जल्दी है इस मूवी को देखने की। तो अपने क्षेत्रवासियों को, यानी कि जो हमारे क्षेत्र की लड़कियां हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं उनको यही संदेश देना चाहूंगी कि बहन किसी भी काम में पीछे ना हटे और हमेशा कुछ भी ना इम्पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ करे, वो घर से बाहर निकले, उसके बाद ही वो कुछ कर पाएंगी। मैम क्या नाम है आपका? विमला शर्मा। विमला शर्मा, तो विमला जी, जैसे आज ये आपके गांव में बेटी के ऊपर एक फिल्म शूट की जा रही है जी, तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं खुद भी चाहती हूँ कि मैं भी इसमें कुछ काम करना चाहूँगी, क्योंकि अपनी बिनौली गाँव के लिए और हमारा जो संजीव है इसके लिए भी कुछ कहना चाहूँगी मैं, क्योंकि ये शुरू से ही हमारा एक छोटा सा खिलौना है और शुरू से ही इसको शौक है और हमने भी यही प्रेरणा दी है इसको कि बेटा तुम अच्छे काम करो। संजीव जी, सबसे पहले तो आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आप बिनौली गांव में शूटिंग कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी शूटिंग है और काफ़ी लोग यहाँ पर देखने के लिए आए थे, तो इस फिल्म के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मेरा संदेश यही है कि मैं एक तो बहुत गरीब परिवार से हूँ, इस गरीब परिवार होने के नाते मेरी बेटी आज हजारों लड़कों में इतनी बड़ी उन्नति करते हुए वो रेस प्राप्त की है, रेस जीती है, और मुझे बड़ा अच्छा लगा इतने बड़े बड़े लोगों में जाकर उसने ये मेडल प्राप्त किया है। मैं तो कभी सोच भी नहीं रह सकता था कि मेरी बेटी इतने बड़े पद पर जाके और वो इस रेस में ये पहला स्थान प्राप्त करेगी। तो आप पिक्चर के अंदर की ये बातें दिखा रहे हैं आपके साथ है, मतलब आपकी जो बेटी है वो? नहीं, जो रियल नहीं, बट ये वो एक हमारी आर्टिस्ट हैं। अच्छा, यानी पिक्चर के अंदर ऐसी कहानी क्यों होती है? जी हाँ, सिर्फ हम पिक्चर में फिल्माया गया है कि आज लड़कियाँ पीछे नहीं है, वो सब कुछ कर सकती है, आज लड़कियाँ जो भी चाहे वो कर सकती है, यहाँ तक कि आज तक की लड़कियाँ तो अंतरिक्ष पर भी जा रही हैं। ये तो हमारी एक रोड पर ट्रैक पर दौड़ने वाली एक लड़की थी। तो आपके मन में कब से ये ख्याल आया कि मैं पिक्चर बनाऊं और मैं अपने खुद आज अच्छे काम कर रहे हैं आप फिल्मों के अंदर, कब से? बचपन से शौक है आपको? जी बचपन से शौक है मुझे। तो अब तक कितने मूवी कर चुके हैं आप? जी मैं लगभग 15 से 20 मूवी कर चुका हूं और आज मैं कम से कम भी 4 चैनल पे काम कर रहा हूं। मैं पिक्चर आपकी आ चुकी है जो अभी आपने बताई, ये जो हमारी पिक्चर आज आपने जो बाइट ली हमारी है, ये इसका पार्ट 2 है, गरीब की बेटी पार्ट 2, जो हमारी पहली फिल्म थी गरीब की बेटी,
वो नेट पर आ चुकी है यूट्यूब पर, और लेकिन ये अभी एक हफ्ते के अंदर अंदर वो यूट्यूब पर आ जाएगी। इसमें हमारे 5 कलाकार हैं, मेरा बाप का रोल है, अंजू सैनी का, मेरी बेटी का रोल है, और 3 आर्टिस्ट हमारे बाहर से भी हैं। ये हमारे कैमरामैन है सोनू सैनी। तो कितने लोग काम कर रहे हैं इस मूवी के अंदर? इस मूवी के अंदर लगभग 10 से 12 लड़के काम कर रहे हैं जी। कब तक लॉन्च हो जाएगी ये? एक हफ्ते के अंदर अंदर यूट्यूब चैनल पे आ जाएगी।